लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अपने संवाददाता पंकज अग्निहोत्री की रेवा एमपी से खास रिपोर्ट। हमारे साथ हैं रीवा जिले के 68 विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र पांडे जी। आपका राजनीतिक करियर, आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी थी जब आप राजनीति में आए? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में उसका योगदान रहा, तो गरीबों की सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। हम गांधी दर्शन से प्रभावित रहे हैं, तो हमने कांग्रेस पार्टी को भी सेवा की। 42 साल के आपके राजनीतिक करियर में कई नेता आए कई नेता गए, उनके साथ आपका सबका तालमेल सही था, और आपकी पार्टी ने टिकट का जो बंटवारा किया है उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब टिकट आपको उन्हीं को देना था जो पिछले बार थे, कोई चेंज नहीं करना था, उनकी बीवी को दे दिया गया है या तो उनके भाई को दे दिया गया है, पूरे जो कल 155 लोगों की लिस्ट निकली। सीजन की बात है तो हमने देखा है कि गांव में खेती नहीं हो रही है, हैरा प्रथा के कारण किसान अपने खेत ही नहीं बुआई कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी सरकार बनने को? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने बयान में कहा है कि हम हर पंचायत स्तर पर खोलेंगे गौओं के संरक्षण के लिए गौशाला की बात उन्होंने की है, तो अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये करेंगे। वो एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, निश्चित इसका पालन वो करेंगे और जो मवेशी हैं उनकी व्यवस्था होगी। कांग्रेस पार्टी राजा महाराजा इस दो विवाद से इस समय बड़े तेज जूझ रही है, आपको भी पता है हमें भी पता है, तो राज अगर चुनाव जीतते हैं आपकी पार्टी आप सरकार बनाने में आते हैं तब भी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आपके पार्टी में अगर यही हुआ तो इसका कैसे निराकरण निकलेगा? ये तो विधायकों का अपना अधिकार है, निर्णय होने के बाद फिर सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता जो होंगे उस पर कोई न बगावत करेंगे न व्यवधान करेंगे और पूरे मन से कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में अरुणा तिवारी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी की बहू है, पुत्र बहू हैं उनका। श्रीनिवास तिवारी जी तो अब नहीं रह गए हैं, लेकिन इस चुनाव में उनके नाम पे वोट मिलेगा, इनका खुद का तो कुछ अभी बनाया हुआ नहीं है, ये पहली बार है ये आए हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा इस चुनाव में? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों से यहाँ सरकार है और जो सरकार का काम रहा है उससे लोग नाखुश हैं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ, किसान